गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉटवाइलर के बारे में। दोस्तों, रॉटवाइलर एक एग्रेसिव ब्रीड है और लोग इससे काफ़ी डरते हैं। ये अधिकतर इनका टेम्परामेंट थोड़ा शॉर्ट होता है, यानी बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। हालांकि ये पिटबुल जैसा इनका नेचर नहीं होता है, बट फिर भी ये डॉग आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें सोशलाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपका दूसरा अमेरिकन बुल्ली टाइप के ब्रीड जो एग्रेसिव होते हैं, वो सोशलाइज हो जाते हैं, बट उनके टेम्परमेंट्स थोड़े हाई होते हैं। अगर वो बाइट कर देते हैं तो वो छोड़ते नहीं हैं, बात वो होती है। बट ये क्या होता है, ये तुरंत गुस्सा हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर। तो आज हम इसी ब्रीड के बारे में बात करेंगे। लोग ये एक अच्छा गार्ड डॉग है, और इस डॉग के इश्यूज के बारे में, डाइट के बारे में, प्राइस के बारे में हम बात करेंगे, प्योरिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि रॉटवाइलर की प्योरिटी कैसे चेक करें। प्योरिटी चेक करने का सिंपल वे है, रॉटवाइलर दो टैन ही कलर में आते हैं, उनके यहाँ पे दो डॉट्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं, और यही जो टैन पैटर्न डॉबरमैन में वगैरह में देखा जाता है, वही टैन पैटर्न होता है। टैन डार्क कलर, ब्राउन कलर का हो सकता है या फिर येल्लोइश कलर का हो सकता है। और जो आपका रॉटवाइलर हो, अगर आपको बेस्ट डॉग अगर चूज़ करना है, तो 60-40 का रेशियो, मज़ल उसका 40% हो, हेड उसका 60% हो। जितना पंच फेस, जितने लटके हुए उसके चीक्स होंगे, जितना उसके पॉज हैवी होंगे, वो उतनी अच्छी क्वालिटी का बच्चा होगा। रॉटवाइलर के लगभग 1.5 से 2 इंच तक के पपीज़ में बाल होते हैं, 2 इंच तक हो जाते हैं। और रॉटवाइलर की जो दुम होती है, वो पतली होती है और लंबी हो जाती है। दो टाइप के आप देखेंगे रॉटवाइलर्स, एक की डक टेल जो होती है वो डक की जाती है, और एक की नहीं की जाती है, जिसका आप कोई नीड नहीं होता है। टेल के साथ ज़्यादा वो अच्छे दिखते हैं, और डॉग्स की जब टेल्स उनके पास रहती है, तो उनके बैलेंस को, उनके बॉडी बैलेंस को, उनके लेग्स को अच्छा रखने में उनका बहुत अच्छा रोल होता है। कुदरत ने दी है, तो उसके साथ हमें नहीं छेड़छाड़ करनी चाहिए। सिर्फ अपीयरेंस के लिए वो होती है, उसकी कोई नीड नहीं होती है। रॉटवाइलर की जो लाइफ होती है, वो 9 to 12 ईयर होती है। और इनके में जो कॉमन डिजीज़ होते हैं, वो इनके जॉइंट्स में आ जाते हैं, इनकी बोन में आ जाते हैं। पार्गो जैसे कैनाइन डिस्टेम्पर जैसे वायरसेस इन्हें जल्दी इफ़ेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये, और इन्हें गर्मियों में इनका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर आपका पपी है, अगर गर्मियों में है, तो उसे ज़रूर पार्गो से बचाएं, क्योंकि इन्हें पार्गो वायरस बहुत जल्दी हो जा सकता है। और प्राइस रेंज की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का पपी मिल जाएगा 14 to 18,000, अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छा ब्रीडर से अगर आप लें। और कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, क्योंकि ये डॉग्स हैं, ये कोई क्लॉथ्स नहीं हैं। तो आप पेरेंट्स को देखें, खुद जाके पपी को चेक करें, फिर ही लें। और अगर आपको नॉर्मल क्वालिटी से थोड़ा अच्छा पपी चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा लगभग 19 to 26,000 के बीच में, आपको एक अच्छी क्वालिटी का बच्चा मिल जाएगा। और 35,000 तक आपको विद पेपर रॉटवाइलर मिल जाएंगे, नॉर्मली होगा। अगर होम ब्रीडर जो होंगे, वो आपको कुछ कम में भी दे सकते हैं। और कभी भी टैन कलर के अलावा दूसरा कोई भी कलर नहीं आता है वो, और जो अगर उसमें कहीं वाइट पैचेस या फिर कुछ भी हो, तो वो समझिएगा कि वो मिक्स रॉटवाइलर है, वो प्योर नहीं है। रॉटवाइलर का हेड नहीं ग्रो हो रहा है, तो आप उसे कैल्शियम ज़रूर दें, उनका कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ये प्रॉपर चलाते रहें, क्योंकि वो बहुत हैवी साइज़ के कुत्ते हैं, उन्हें कैल्शियम की नीड पड़ेगी उनका प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर को डेवलप करने में, और हेड साइज को, के मसल्स को एक्टिव करने के लिए, उसे च्यू करने के लिए सामान दें, और उसे डेली वॉक पे लेके जाएं। लगभग आप उसे सुबह शाम 1 घंटे खिलाएं, जिससे उसकी सारी एनर्जी निकले, उसका एग्रेशन कम हो जाएगा, उसे प्रॉपर सोशलाइज करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं रॉटवाइलर के बारे में, जो आप अगर कोई बिगनर हो, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल टिप्स हैं। अगर आप इसकी फीड या डाइट के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।